तो आज की स्टूडियो में मेरे पास ऐसा स्मार्टफोन है जिसका एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन रंग है। यानी ये ऐसा स्मार्टफोन है जो हर वक्त अपना रंग बदलता रहता है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आप लोगों ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कि एक नहीं, दो नहीं, तीन चेहरे रखते हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कलर रखता है, और वो है नथिंग CMF फोन वन। आज की स्टूडियो में मेरे पास जो है नथिंग CMF फोन वन मौजूद है। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि CMF का फुल फॉर्म क्या है। अगर CMF का फुल फॉर्म मैं कहूँ तो CMF का फुल फॉर्म है कलर मटेरियल फिनिश। ये जो है CMF का फुल फॉर्म है, और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मेरे पास ऐसा स्मार्टफोन है जो कि तीन रंग रखता है। आप लोग को जो है मेरी थंबनेल से पता चल भी गया होगा कि मैं कौन से स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और साथ ही साथ हमें दिल की गहराइयों से हमें सपोर्ट कर दीजिएगा तो हमें बहुत ज़्यादा दिल से खुशी हो जाएगी। अक्सर लोगों को ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, कर दिया करें, इतना मुश्किल काम नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ ये पूरी दुनिया का वाहिद ऐसा स्मार्टफोन है। अगर आप लोगों को इस स्मार्टफोन का कलर या इसकी बैक की बॉडी नहीं पसंद तो आप लोग जो है इसकी बैक की बॉडी और कलर को एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप लोगों को इसमें कुछ कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप लोग जो है अपनी मर्जी से इस कलर को एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि मैं और किसी की नहीं, मैं बात करूँ नथिंग फोन CMF वन की। हालांकि नथिंग का जो है पहला मिड रेंज स्मार्टफोन है, और मिड रेंज स्मार्टफोन कहूँ कि ना कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो है इतने कम बजट में ना बहुत प्रोवाइड करता है ना, कि मैं आप लोगों को अब लिस्ट मैंने लिखी हुई है, आप लोगों को मैं बताता रहता हूं कि हम इतने कम बजट में क्या क्या प्रोवाइड करता है। और एक और चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है नथिंग ने जो है अपने बॉक्स को जो है एकदम तब्दील कर दिया है, यानी बॉक्स को भी तब्दील करते साथ ही साथ में अंदर की जो एक्सेसरीज है उसको भी चेंज कर दिया है। अब मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके ही दिखाता हूं। हर बार की तरह है इसके बॉक्स में हमें स्मार्टफोन की बैक को मेंशन किया गया है, यानी स्मार्टफोन का बैक कैमरा जो है उसको मेंशन किया गया है, और इसी के अलावा इसका बॉक्स जो है दिखने में भी एकदम हमें 3D लुक देता है। यानी अगर आप लोग इसका बॉक्स देखें तो लगता है कि बिल्कुल 3D में हमें इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है, और ये है नथिंग का डिवाइस हमें इसमें देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा इसमें जो है हमें Type-C to Type-C हमें इसमें केबल देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए नथिंग की तरफ से, जो कि सिंपल सी केबल है, ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। और साथ ही साथ में हमें इसमें जो है सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है, और कुछ ज़रा इसमें एक्सचेंज है भी नहीं, लेकिन इसमें जो है नथिंग ने जो है सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सचेंज किया है ना, वो है सिम इजेक्टर पिन और अपनी चार्जिंग केबल को भी एकदम एक्सचेंज कर दिया। और इसी के अलावा अब इसके डिज़ाइन की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्मार्टफोन के बैग में जो पीछे आपको ये जो चार पेच दिख रहे हैं ना, ये है मेन चीज़। अब आप लोग बोलेंगे ये मेन चीज़ क्या है, बॉडी एक्सचेंज कर सकते हैं आप लोग इसकी मदद से। अब आप लोगों ने जो है इसके इस पेज को खोल लेना है और दूसरा वाला इसके ऊपर लगा लेना है, और आप लोगों का स्मार्टफोन जो है एक्सचेंज हो जाएगा। हालांकि ये प्लास्टिक जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग इसका प्लास्टिक देखेंगे ना तो जो कि हमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में भी इसका प्लास्टिक हमें देखने को मिल जाता है, और ये प्लास्टिक जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। अब आप लोग बोलेंगे नीचे जो बड़ा है ये जो पेज की तरह नहीं दिख रहा, ये क्या चीज़ है? अब आप लोग कहेंगे ये क्या चीज़ है, तो मैं बताता हूँ ये ऐसी एसेसरीज है ना, इसकी मदद से आप लोग इसके पीछे और चीज़ों को भी लगा सकते हैं। यानी आप लोगों ने अपने गले पर लगाना हो या अपने पीछे स्टैंड लगाना हो, इसी कलर इसके पीछे जो है पाउच भी लग जाता है, तो आप लोग जो है इनमें से तीन चीज़ों को लगा सकते हैं। हालांकि मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं डिस्प्ले में मैंशन कर देता हूँ, आप लोग इस तरह जो है अपने स्मार्टफोन को अच्छा लुक दे सकते हैं। और बाकी अंदर से ये स्मार्टफोन जो है सेम टू सेम नथिंग के और स्मार्टफोन की तरह हमें देखने को मिल जाता है। अब आप लोग बोलेंगे इसमें कौन सा हमें सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है, इसमें जो है हमें नथिंग OS 2.6 के साथ हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है नथिंग का सॉफ्टवेयर के साथ। अब जारी आ जाती है इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले में सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो है फिंगरप्रिंट। इसका फिंगरप्रिंट जो है हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो कि 6.67 इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है, जो कि 2000 nits तक की ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। हालांकि ये नथिंग का जो है सबसे लोवेस्ट स्मार्टफोन है, यानी इससे नीचे स्मार्टफोन नथिंग की तरफ से नहीं आया, इससे ऊपर वाले आए हैं, लेकिन ये सबसे लो प्राइस में जो है नथिंग ने लॉन्च किया है, और लॉन्च किया है लेकिन आते ही ये स्मार्टफोन ने तबाही मचा दी मार्केट में, क्योंकि इसका जो बॉडी एक्सचेंज करने वाला ये जो मेथड है ना, ये नथिंग का बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है।
और अगर बैटरी की बात करूँ तो इसमें जो हमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 5000 mAh की बैटरी, हालांकि आजकल सब भी स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल जाती है जो कि आप लोगों को 7 से 8 घंटे इजीली दे देगा। अब बारी आ जाती है कैमरा सेटअप की। बैग में जो है हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा जो है 50 MP का और उससे छोटा कैमरा जो है 2 MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुआ हूँ। अगर 2 MP डेप्थ कैमरे की जगह अल्ट्रा वाइड होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन 2 MP का डेप्थ कैमरा ही ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। अल्ट्रा वाइड नहीं है, यही इसमें मेन मसला है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा जो है 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। हालांकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ना कि नथिंग क्या है ये स्मार्टफोन में जो है कैमरे की क्वालिटी हालांकि इतनी अच्छी नहीं होगी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें जो है हमें कैमरे की क्वालिटी A1 देखने को मिल जाती है। A1 ही क्या बल्कि ये स्मार्टफोन जो है कैमरे के लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक भी देता है और पिक्चर्स और वीडियोस जब आप लोग बनाएंगे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ ना। इसी के अलावा ये स्मार्टफोन जो है 3.5 mm जैक हमें इसमें अवेलेबल देखने को नहीं मिलता। हालांकि नथिंग के अभी तक जितने भी स्मार्टफोन आए, नथिंग फोन 1 से लेकर नथिंग फोन 2, नथिंग फोन 2A, नथिंग फोन 2A+ और नथिंग फोन 2A+ कम्युनिटी एडिशन हो गया, इसी के अलावा अभी ये जो है CMA 4.1 हो गया, इन में से किसी स्मार्टफोन में भी हमें जो है 3.5 mm जैक अवेलेबल देखने को नहीं मिलता। यानी अगर आप लोग ये सोचते हैं कि इसमें हमें 3.5 mm जैक अवेलेबल देखने को मिल जाएगा तो आप लोग अपने जहनों से और अपने कलेजों से ये बात निकाल दें कि हमें 3.5 mm जैक और नथिंग की तरफ से कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर 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 मैं किसी स्मार्टफोन की दिल से तारीफ करता हूं तो वो है नथिंग। अगर मैं जितने भी स्मार्टफोन मेरे पास अभी तक आए हैं, देखे हैं और दिखाए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो फेवरेट ब्रांड मेरा है वो है नथिंग। नथिंग जो है एकदम, मतलब मैं कैसे बताऊं यार, बताने में समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि नथिंग जो है हमें कम बजट में इतना बहुत कुछ प्रोवाइड करता है ना कि आप लोगों को सोच भी नहीं सकते। इसी के अलावा नथिंग के अभी तक जितने भी स्मार्टफोन आई है, स्मार्टफोन जो है हमें सबसे ज़्यादा मिड रेंज स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। पर जिस प्राइस में ये लॉन्च हुआ है आप लोगों को मार्केट में से बहुत सारे स्मार्टफोन मिल जाएंगे, लेकिन ये स्मार्टफोन आप लोगों को मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। अब आप लोग बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो पाकिस्तान में कहीं पर भी आप लोगों को नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। अगर आप लोगों ने ये स्मार्टफोन बाय करना हो तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम हो गया या जीमेल पर रब्ता कर सकते हैं। मैं हमें हर बार की तरह इस बार भी डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा, आप लोग जो है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अगर आप लोगों ने मेरे साथ रब्ता वगैरह करना हो ये स्मार्टफोन लेने के लिए। हालांकि नथिंग CMA 4.1 जिस बजट में लॉन्च हुआ है ना, आप लोगों का अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों को पहले यकीन नहीं आएगा, ये लॉन्च हुआ है 79,999 रुपीज़ का, हमें पाकिस्तानी देखने को मिल जाता है। आप लोगों ने बाय करना हो तो आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, पाकिस्तान के किसी कोने पर भी हो तो आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। हालांकि इससे अलावा मैंने एक और बात करनी है, अक्सर लोग मुझे ये कहेंगे कि आप लोगों ने अपनी जो ये स्मार्टफोन हमें भेजा है ना, इसकी बैग में जो है और एक्सेसरीज नहीं आई है। नथिंग की तरफ से हम लोगों को ये चीज़ें जो है ना ऊपर जो आ रही है ना, ये हमें अलग बाय करनी पड़ेगी, यानी ये बॉक्स में नहीं आती। बॉक्स में जो है आपको सिर्फ सिम इजेक्टर पिन और स्मार्टफोन और केबल हमें देखने को मिल जाएगी। इसी के अलावा ये और जो केस है ना, ये हमें अलग बाय करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई चीज नथिंग की अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।